अब राम गोपाल जी की कुंडली है, इससे आप अपनी अपनी लगा सकते हैं। अच्छा, राम गोपाल जी की तारीख है 15/10/1965। मैं आपको बताना चाहता हूं, 0 नंबर का हमारे लोसो ग्रिड में कोई महत्व नहीं, 0 का कोई अस्तित्व नहीं होता, 0 को कहीं काउंट नहीं करते। लेकिन यदि 0 होती है तो ऐसा व्यक्ति संसार में कुछ करने के लिए आता है, परिवार में नहीं, संसार के लिए कुछ करने के लिए आता है। यदि महात्मा गांधी जी की मेरे ख्याल में 28 अक्टूबर 30 नंबर आता है, आप अच्छे अच्छे विद्वानों का डेट ऊपर उठा के देखना, आपको उसके अंदर दिखाई देगा कि उसके अंदर दिखाई देगा, 0 नंबर अगर है तो उसके अंदर आपको सच दिखाई देगा कि 0 वाला व्यक्ति क्या करने के लिए आया है। अब इनकी जो कुंडली बन के आती है, ड्राइवर 6 कंडक्टर 1, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, मैंने इनकी कुंडली बनाई, 1 की जगह 1, 5 की जगह 5, और 9 की जगह 9, और 6 की जगह 6। तो अब इनके पास ड्राइवर 6 कंडक्टर 1। इनकी ससुराल एक अच्छी पैसे वाली है, हमेशा ध्यान रखो, ये कोई नहीं बताने का आपको, ये तथ्य मैं ही बताऊंगा, बताने की इच्छा रखता हूं। ये बड़े शार्प माइंड के हैं, बहुत अच्छी प्रतिभा है, सूर्य प्रबल है, ठीक है, और ये 70% अपने जीवन में कामयाब होंगे और हुए। 65 का जन्म है तो 56-57 साल के हैं। इनका नाम जो आता है 2 अंक पे आता है, बहुत भावुक प्रवृत्ति के हैं। मैंने इनको नाम को बदलवा के 5 नंबर पे रखवाया, मैंने इन्हें बताया साउथ इस दिशा में हरे रंग का बल्ब लगाया। इनके 4, 2, 3, 7, 8 नंबर प्रिंस है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट दिशा में इनके नंबर खाते हैं। मैं आपको सबको जनरल एक बात बताता हूं पहले, यदि किसी व्यक्ति का कोई नंबर मिस है तो उस रंग से संबंधित धागा उस उंगली पे वो बांध ले। यदि किसी पे पैसे की व्यवस्था नहीं है और कोई अच्छा उपाय नहीं कर पा रहा किसी कारण से, हो सकता है तो रंग थेरेपी का कार्य करें। रंग थेरेपी करने से उसकी जो मानसिक स्थिति है प्रबल होती जाएगी, क्योंकि हमारे शरीर में रंगों का भी महत्व है। अच्छा, साउथ इस दिशा में हरे रंग का बल्ब लगाए, साउथ इस दिशा में लकड़ी का सामान रखें, क्योंकि इनके पास 3 और 4 नंबर 30 है। मैं इनको राय दूंगा कि इनको एक रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए, और भी कुछ नहीं, माचिस की तिल्ली जेब में रखें, क्योंकि वुड एलिमेंट इनका खराब है। साउथ वेस्ट दिशा में लव वर्ड्स रखें, साउथ वेस्ट दिशा में पहाड़ों के चित्र लगाएं, इस दिशा में पूरे परिवार का चित्र लगाएं, इस दिशा में क्रिस्टल बाल रखें, वेस्ट दिशा में लकी सिक्के रखें, और वेस्ट दिशा में विंड चैन लगाएं, नॉर्थ ईस्ट दिशा में क्रिस्टल पाल लगाएं, और नॉर्थ ईस्ट दिशा में जल के चित्र या तस्वीर लगाएं। ये मैंने बताया। अब इनकी विल पावर बहुत मजबूत थी, और इनके पास 2 नंबर और 7 नंबर नहीं और 6 नंबर है, तो ये हकीकत है कि इनको कहीं ना कहीं पारिवारिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इनकी पत्नी उतनी केयरिंग, इन पति पत्नी में कहीं ना कहीं आपस की सामंजस्य का अभाव है, एक दूसरे की उतनी केयर नहीं कर पाते जितने केयर करते हैं, बोल के केयर करते हैं और अपने हाथ से मेहनत करके केयर नहीं करते। ऐसे व्यक्ति को चांदी का कड़ा 60 ग्राम 70 ग्राम, अगर 7 नंबर मिस है 70 ग्राम और 6 नंबर मिस है तो 60 ग्राम का कड़ा सीधे हाथ पे पहन लेना चाहिए, इससे इनका 7 नंबर ठीक हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को घड़ी बांधने की कम आदत होती है, 2 नंबर के मिस होने से यह पता मालूम होता है, ऐसा व्यक्ति जल्दबाज होता है, हर काम में जल्दबाजी करता है, और उतावलापन होता है, गुस्सा ज्यादा आता है, और जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं करता। ऐसा व्यक्ति बड़ों की इज्जत नहीं कर पाता, बड़ों का सहयोग नहीं मिल पाता, ऐसे व्यक्ति के अंदर अहम होता है, ईगो होता है, एक्सीडेंट घटना दुर्घटना का योग होता है। ऐसे व्यक्ति में किसी भी काम को करने का बहुत जुनून होता है, शुरू करता है तो उसे पूरा करके छोड़ता है, बीच में काम को नहीं छोड़ता। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पेट की प्रॉब्लम पाई जाती है, क्योंकि 3 नंबर मिस होने से लीवर से संबंधित
खाने के हजम करने से संबंधित परेशानी हो सकती है। मैंने ये आपको मैंने बताया साउथ वेस्ट में इनके प्रॉब्लम है और साउथ ईस्ट में इनके दक्षिण पूर्व में प्रॉब्लम है, तो ईस्ट पूर्व में प्रॉब्लम है और वेस्ट में इनके प्रॉब्लम है, ये बातें मैंने इनको बताई। अब मैं इनकी वेदी कुंडली देखता हूं। अब आप वेदी कुंडली भी लगाइए, देखिए अभी मैंने आपको बता ही दिया सारा कुछ, डिटेल बता दी इनके बारे में, ठीक है। और राम गोपाल जी ये हाथ खड़ा करके बताया, जो कुछ हम बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं या कहीं गलत बोल रहे हैं, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत। अब इनका बुध लगन है, इनका तुला लगन है। अभी मैंने क्या बताया था आप लोगों को, देखो यहां से दोनों बात आपको सीखने को मिली। तुला लगन के व्यक्ति, अभी मैंने क्या बताया था, तुला लगन का काल काम है कौन है, कारक है तराजू। जब आप किसी चीज को नाप तोल के करेंगे तो आपको आनंद आएगा। ऐसा व्यक्ति व्यापारिक नेचर होता है और हर काम को नाप तोल के करता है, ईमानदार प्रवृत्ति का होता है। इस व्यक्ति का सूर्य 12वें स्थान पर बैठा है, कहीं ना कहीं आंखों की या पिता के साथ विचारिक मतभेद होते हैं, संबंध नहीं बन पाते किसी भी कारण से। लेकिन राहु चंद्रमा इनके अष्टम स्थान में बैठा है, अष्टम स्थान का राहु चंद्रमा ऐसे व्यक्ति को डिप्रेशन का मरीज बना देता है। ऐसा व्यक्ति अगर जहां एकांत में बैठ जाएगा उसको तनाव हो जाएगा, उसके मन में भय की उत्पत्ति हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति का कहीं ना कहीं ऑपरेशन, पेट के ऑपरेशन की भी संभावना रहती है। ऐसे व्यक्ति का वाणी दोष भी होता है और शुक्र मंगल ऐसे ऐसा व्यक्ति वाणी दोष का भी कारक होता है। शनि ऐसे व्यक्ति का पंचम स्थान में बैठा है, इसकी संतान उत्पत्ति में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा और संतान जो इसकी होगी वो एक मेहनती होगी। ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, मतलब गड्ढा खोद के पानी पीने की आदत होती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं। शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम स्थान में पड़ रही है और सप्तम स्थान का मालिक कौन है, मंगल। ऐसे व्यक्ति की कभी भी अपनी पत्नी के साथ बन नहीं पाएगी, बिचारी मतभेदता रहेगी। अभी देखो मैंने आपको लोशो ग्रिड में भी बताया, आज मैं लोशो ग्रिड और वैदिक का समन्वय करके आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमारी क्लास के कुछ अच्छे जो पढ़ने वाले हैं उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें करें, तो मैं प्रतिदिन एक कुंडली लगाने की मेरी इच्छा रहेगी। मैं आपको पूर्ण रूप से पढ़ाना चाहता हूं और जो एक बार मेरी क्लास में आ जाता है और अगली बार कोई क्लास होती है तो मैं उसके द्वारा पैसे मांगने की भी इच्छा नहीं रखता। मैं ये चाहता हूं कि वो व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों पर निकले। तो अब मैंने क्या देखा, सूर्य से शनि की सातवीं दृष्टि सूर्य पर पड़ती है, ऐसे व्यक्ति के अपने पिता के साथ विचार नहीं मिल पाते चाहके, और इनके पास चंद्रमा और राहु बैठा है, लगन में राशि इनकी वर्क है। ये भावुक प्रवृत्ति के हैं, कामुक प्रवृत्ति के भी हैं, चंद्र राहु है इनके लगन में है, तो डिप्रेशन इनकी अपनी माता। देखिए जब चंद्रमा शनि से या राहु से पीड़ित हो जाता है, शनि से या राहु से पीड़ित हो जाता है तो उसके माता के साथ संबंध कम मिल पाते हैं, विचार कम मिल पाते हैं। केतु मंगल शुक्र इनका अष्टम स्थान में बैठा है तो कहीं ना कहीं मंगल अष्टम स्थान में होना एक तरह से शुभ नहीं होता, पत्नी के साथ विचारिक मतभेदता को बढ़ाए रखता है। अब मैंने क्या देखा, चंद्र राहु शुक्र मंगल शनि, शनि की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शनि की मंगल पर दृष्टि पड़ना, शनि और मंगल आपस में शत्रु हैं, लेकिन वहां पे मंगल बैठा है, खुद अपनी राशि में बैठा है, मंगल मजबूत हो गया तो इतलाक तो नहीं होगा ऐसे आदमी का, क्योंकि मंगल अपने घर का मजबूत हो जाता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के वैचारिक संबंध भी अच्छे नहीं बन पाएंगे। ये भी देखिए तलाक कब होता, अगर काश मंगल या किसी दूसरी राशि में बैठा होता तो ऐसे व्यक्ति का अब तक तलाक हो गया होता, ऐसे व्यक्ति का। अब आपने देखा ना ऐसी बात को जानने के बाद। अच्छा अब मैं क्या देख रहा हूं, देखिए अब इनकी मैं दशा देखता हूं, इनकी दशा इस टाइम शनि की चल रही है 2007 से, तो शनि की दशा, शनि इनका इनका पंचम स्थान में बैठा है, अपने घर का बैठा है, पंचम स्थान में मजबूती देता है,
लेकिन शनि पंचम स्थान में अपने घर का बैठा, ठीक है, लेकिन कहाँ का मालिक है? चौथे स्थान का ही मालिक। तो चौथे स्थान का मालिक होके अपने से दूसरे बैठ गया तो चौथे स्थान के फल भी देगा। तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के सुखों में परेशानी पैदा करता है। और मैं उसके बाद क्या देखता हूं, शनि में चंद्र 2018 से 19 में आता है तो मानसिक पीड़ा होती है, और 2020 में शनि में मंगल और शनि में राहु। देखिए दोस्तों, जो एक बात मैं बताना चाहता हूं, जब शनि में मंगल आया तो इनका 2019 और 2020 तक का समय अच्छा नहीं रहा, और 20 से 21 के बीच में इनको किसी ना किसी तरह का नुकसान होया होगा, धोखा होया होगा, या इनकी किसी चीज का इनसे कोई चीज खो गई होगी, मतलब कोई नुकसान हो गया होगा, कोई चीज चली गई होगी। राहु केतु हमेशा अलगाव पैदा करते हैं, तो मंगल और राहु, तो अब मैं ये देख रहा हूं 2023 तक इनका समय अच्छा नहीं है। उसके बाद 2023 में देखता हूं सूर्य यहाँ पे, शुक्र यहाँ पे, गुरु शनि, राहु में शनि धोखा दो बार, फिर जब राहु में बुध आएगा तो अभी इनका 2022 तक का समय अच्छा नहीं है। 2022 के बाद इनका कुछ समय ठीक आना चालू होगा, और उसके बाद जो असली समय ठीक आएगा वो आएगा 2023 से 26 तक का समय इनका बहुत अच्छा है। दोस्तों फिर मैं कह रहा हूं, वेदिक कुंडली पढ़ना और सीखना हर एक के बस की नहीं है, तो मैंने बताया आपको, तो जो शनि की महादशा है वो इनके लिए एक अनुकूल समय नहीं आई, तो इनका कहीं ना कहीं शनि और राहु में, शनि में राहु ये आता है तो कहीं ना कहीं धोखा होता है। सर शनि क्या है? न्याय। तो इनका कोई ना कोई ऐसा नुकसान हुआ है जो सरकारी नुकसान हो सकता है। राम गोपाल जी क्या क्लास में आप हैं? तो जब आप बताएंगे, अब हमारे पढ़ाने का वो हो गया, तो राम गोपाल जी बताइए, जितना भी कुछ मैंने इस कुंडली के बारे में बोला आपके, तो उसमें कौन कौन सी बातें सही? देखिए बिल्कुल एक एक बात बताना, ऐसा है नहीं जो लोग और सुनेंगे, जब हमारी वीडियो डलेगी तो उन्हें सच्चाई का ज्ञान हो, मुझे अज्ञानता नहीं चाहिए, सच्चाई चाहिए। तो राम गोपाल जी प्लीज बताइए। हाँ जी, जो आप बता रहे वो सही है, और मेरा नुकसान हुआ है पूरा, मेरा मकान और मेरी दुकान, तीन शटर की दुकान और ऊपर का मकान पूरा चले गया है, सरकार के काम में चले गया है। तो जो मैंने आपको पत्नी के बारे में राय दी, उसके बारे में कितनी आपकी विचारधारा सही है गलत है ये बताइए, मैंने आपसे कोई चर्चा नहीं करी। इसके अंदर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि हम इतना तो घर में रहते नहीं है, क्योंकि मैं सुबह निकलने के चले जाने वाला हूँ, रात को आने वाला हूँ, हमारा मिलन ही कम रहता है। अच्छा देखिए बता गया, आप बहुत मेहनती है ना, जो मैंने कहा आप गड्ढा खोद के पानी पीते है ना, आप मेहनती नहीं, बताइए आप हर बात को नाप तोल के करते है ना, बताइए प्लीज बताइए। क्या आप जल्दी से एकांत में आते ही आपको डिप्रेशन हो जाता है, नहीं हो जाता है काम से हटते ही? बिल्कुल। हाँ ना का जवाब दीजिए, क्या कोई आपका ऑपरेशन हुआ पेट का? क्या कोई पेट का ऑपरेशन हुआ है आपका? चलो अच्छी बात है, संभल के रहना, हो सकता है। क्या आपके अपने पिता से कुछ विचार एक मतभेदता रही? पिता है आपके? नहीं है, पिताजी नहीं रहे। क्या? हाँ पिताजी नहीं रहे, तो पिता के सुख में कमी, तो जब जिंदा थे तो कोई विचारिक मतभेदता थी पिता के साथ? नहीं नहीं कभी नहीं। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, और माता के साथ? रहती है थोड़ी बहुत। देखिए मेरी बात सुनो, है या नहीं है इससे हमें मतलब नहीं है, ग्रह ये संकेत देते हैं। हाँ, जब ग्रह ये संकेत देते हैं कि ऐसा होने पे ऐसा होता है, हो या ना हो इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं जो बातें बता रहा हूँ वह शास्त्र संगत बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, एक बार को राम गोपाल जी, जो आप हमारी क्लास के भी वो हैं और आपने इच्छा रखी, आपने हमसे कंसल्टेंसी के पैसे भी दिए और ये बहुत भले इंसान हैं, आपके पास 4 नंबर और 3 नंबर और 8 नंबर नहीं है। आप एक रुद्राक्ष की माला पहने, गले में डालें और ठीक है, और मजदूरों की सेवा करें। शनि भी आपका खराब हो रहा है, देखिए आपके कुंडली में भी शनि खराब हो गया और लोशो गीड में भी खराब हो गया। 70 ग्राम का चांदी का कड़ा सीधे हाथ में पहने और पूर्णवासी के दिन
नहीं 70 ग्राम कर लो, 70 ग्राम सात नंबर है, जितना ग्राम नंबर हो। हाँ अच्छा 70 ग्राम। दूसरा बात, आपका 2 नंबर मिस है, 2 नंबर मिस होना चंद्रमा का खराब होने का संकेत आता है। कुंडली में भी देखो राहु चंद्रमा का योग आ गया, ऐसे व्यक्ति की माता के साथ कम बनती है, ये उन्होंने बोल भी दिया।